Good morning students in my previous lecture on the muslim law we had started yesterday we had started with the very basics of muslim law muslim law is a personal law and yesterday we saw the status of personal law in modern day india especially vis-a-vis -vis the constitution we traced the entire history of islam yesterday and how islam has fared through फोर इपॉक्स वी कैन से चार फेजेज हैं पहला फेज़ जो प्रॉफिट मोहम्मद का है दूसरा फेज़ उनकी डेथ के बाद जो चार कैलिफ्स आते हैं उनका है बैटल ऑफ करबला के बाद देन द थर्ड फेज जब हमायत को अबैसेड्स नेवर थ्रो कर दिया और चौथा फेज़ जब मंगोल्स ने कैलिफ को मार दिया था एंड देन द एंटायर कैलीफिट पास ऑन टू द ओटोमैन एम्पायर टू कॉन्स्टान्टिनोपल एंड एंड में जाके फिर कमाल अता तुर्क ने कैलिफिट को अबॉलिश ही कर दिया उन्नीस सौ सताईस में ये हमने पूरी कल हिस्ट्री ट्रेस की थी इन इन माई प्रीवियस लेक्चर यू नो ये जरूरी है हिस्ट्री क्योंकि जिस लॉ को हम पढ़ने जा रहे हैं उसका हमें बैकग्राउंड पता होना बहुत जरूरी है एंड दैट इज द रीजन वाई

शरीयत पे बेस्ड है इसलिए विद बिफोर वी स्टार्ट मुस्लिम लॉ इट इज वेरी नेसेसरी दैट वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज शरीयत जो शरीयत वर्ड है वो आता है शरिया से शरिया बेसिकली मीन्स द राइट पाथ यू नो राइट पाथ शरिया अराबिक का वर्ड है एक्चुअली क्या होता है कि जो रास्ता पानी को जाता था उसको शरिया कहते थे अब ये रैचुअली दिस दिस पाथ लीड्स टू हेवन तो वो पाथ जो एक मुसलमान को हेवन ले जाएगा वो पाथ जो उसको ट्रेड करना है अपने उम, सारी उम्र दैट पाथ विच एनी मुस्लिम मस्ट ट्रेड द पाथ इज बींग शोन बाय अल्लाह हिमसेल्फ एंड दैट इज द रीजन वाई शरीयत कमिंग फ्रॉम द वर्ड शरिया इज अ डिवाइन इट्स अ डिवाइन लो शरीयत को हम कई बार कानून इस्लामी भी कहते हैं एज अ से हमारा प्रॉब्लम क्या है कि आजकल जो हम इतने जब खासकर आप लोग तो सब छोटे हो बहुत आपने जब से होश संभाला है तो आप ये टेररिज्म वगैरह देख रहे हो तो हमेशा एक एक शरीयत का मतलब हमेशा लगता है लोगों को कि हाथ काट देना या स्टोन टू डेथ नो no, गलत टोटली गलत शरीयत इज अ कंप्लीट वे ऑफ लाइफ शरीयत सिर्फ पनिशमेंट नहीं है सी जस्ट एज हम अगर हिंदू लॉ में इसका एक पैरल ले हिंदू लॉ के जो हमारे चार वेदा हैं ऋग्वेदा यजुर्वेदा समर वेदा अतर्वेदा इनके अंदर कोई लॉ नहीं दिया हुआ कि हिंदू लॉ चलो जी ऐसा 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 नो यू नो इट इज उसमें से लॉ निकलता है हिंदू लॉ में क्या होता है कि इसीलिए बाद में जो स्मृति आई उनमें से इसको रख के इन चारों वेदों को अब लॉ कल आउट किए लॉ बनाए हिंदू लॉ में और मुस्लिम लॉ में सबसे बड़ा फर्क क्या है हिंदू लॉ में जो शुरुआत होती है हमारे चार वेदा से चाहे ओल्डेस्ट बींग द रेग वेदा उनमें फिलोसफी है कि ये अच्छा है द राइट द रोंग ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना उसके बाद इनको उनको हाउ डू वी अचीव दिस तो वेदों के लास्ट पार्ट में ये चीज लिखी होती है द प्रोसीजर हाउ टू अचीव इट इज़ लेटर ऑन दैट जनावलका स्मृति एंड नारद स्मृति तो जो लॉ पर से प्योर लॉ जिसको हम कहते हैं वो बाद में आता है एंड दैट ऑल हैड टू बी कल्ड आउट फ्रॉम द फिलोसफीज विच वर लेड बाय द फोर वेदास। इसलिए स्मृति जो है वो हमारी क्रिस्टलाइज करती है लॉ को यहा फर्क है यहां पे द होली कुरान ले डाउन द एंटायर पाथ द होली कुरान इज नॉट अ बुक ऑफ लॉ यू नो यूड बी सरप्राइज आउट ऑफ अबाउट सिक्स थाउजेंड थ्री हंड्रेड वर्सेज हार्डली टू हंड्रेड पर लॉ और उनमें से हार्डली कल साठ के करीब हैं जो फैमिली लॉ को कवर करते हैं तो ऑलमोस्ट साढ़े छह हजार वर्सेज में से सिर्फ दो सौ लॉ के ऊपर है बट अनलाइक द हिंदू लॉ जहां पे बाद में मनु ने या याजनावलका या नारद ने अपनी समृति में लॉ को क्रिस्टलाइज किया उसमें हमने सब्सटिव लॉ मनु में आ गया और प्रोसीजरल लॉज ज्यादातर याजनावलका और नारद समृति में आते हैं। यहां ऐसा नहीं है यहां दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव कोड ऑफ कॉन्डक्ट इट इज नॉट लॉ लॉ इज अ मिनिस्क्यूल पार्ट ये हमेशा ख्याल रखना है यू नो इस्लाम इज नॉट और द होली कुरान इज नॉट अ बुक ऑफ लॉ इस्लाम इज अ वे ऑफ लाइफ जस्ट एज इज अ वे ऑफ लाइफ हम सबको नेचुरली बिकॉज वी आर लिविंग इन अ हिंदू प्रिडोमिनेटेड कंट्री तो हम सबका एक जो नजरिया है इस्लाम का वो सिर्फ उनके आईज से है जो हम अभी तक ब्लड शेड वगैरह देखते आए हैं या जो टेररिज्म हम देखते आए हैं इट इज अ वेरी आई से अ वेरी नैरो रिलीजन आई हैव गॉन थ्रू द होली कुरान टू थ्री टाइम्स सो दैट आई कुड टीच यू बेटर एंड आई हैव सीन हैल दया इज नथिंग नेगेटिव नॉट अ सिंगल आयात इज नेगेटिव उसके अंदर जो लॉ भी हैं, वो बुने हुए हैं वो इंटरलिंक्ड हैं कि आप चोरी नहीं करोगे और अगर चोरी करोगे तो आपके हाथ काट देने चाहिए या अगर कोई जिना करता है अडल्ट्री करता है तो उसको पत्थर से मार देना चाहिए इस तरह इंटरलिंकिंग देर इज नो नथिंग कॉल्ड क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ और दिस इज अ प्रोसीजर दे आर ऑल इंटरट्वाइंड इन द विद द विदी और अगर हम उन हालात को देखें जब होली कुरान लिखी गई थी वो हालात ऐसे थे कि देर वॉज कंप्लीट क्योस इन द सोसाइटी पैंडीमोनियम रेज वाइड स्प्रेड लि देर वॉज सोशियोलॉजिकल क्योस देर वॉज इनइक्वेलिटी देर वॉज सेक्सुअल प्रोमिस जितनी मर्जी शादियां कर लो जितनी बार मर्जी डिवोर्स कर दो मोटा मैरिज तक आउट तो एज अ रिजल्ट विमेन बिकेम लिटरली लाइक प्ले थिंग्स एंड आई मस्ट से दैट इट इज ट्रिब्यूट टू द प्रोफिट दैट ही फॉर द फर्स्ट टाइम यू नो हमें लगता है कि इस्लाम औरत को इज्जत नहीं देता उल्टा है बिकॉज मैंने इतना डीप स्टडी किया दैट्स वाई आई कंटिन्यू इनफैक्ट प्रॉफिट मोहम्मद को यह पूरा एक श्रेय देना पड़ेगा कि उन्होंने एक ऐसे टाइम पे जबकि टोटल सोशियोलॉजिकल सेक्सुअल एनार्की थी उसको उन्होंने रोका उस टाइम में और फिर विमेन को इज्जत दी इसीलिए अगर कोई अडल्ट्री करता है तो इट इज नॉट कि विमेन को हम पत्थर मारेंगे आदमी को भी मारेंगे बिकॉज ही वॉन्टेड अ सोसाइटी विच वॉज प्योर एंड सिंपल ही डिड नॉट वॉन्ट सेक्सुअल एन आरकी जो अरब ट्राइब्स में प्रिवेलेंट थी दिस इज अ रीजन अगर हम देखें नो डाउट हम बहुत क्रिटिसाइज करते हैं कि तलाक कब हो पर वो अगर उस टाइम पे बिल्कुल एक फुल स्टॉप लगा देते तो रिवोल्ट हो जाता सोसाइटी में इसीलिए उन हालात में जो उन्होंने किया इट वॉज स्टुपेंडस एफर्ट इट वॉज अ वंडरफुल एफर्ट बाय वन पर्सन और वो भी एक्सेप्ट होना वो भी जब उनके खिलाफ जूस क्रिश्चियंस सारे मिलके आर्मीज भेज रहे हैं उनको मारने के लिए उनको हराने के लिए ऐसे और दस साल थे उन बिकॉज ही डाइड अर्ली इट इज नो डाउट ट्रिब्यूट टू इज जीनियस डेट ऑल दीज थिंग यू नो यू आर ऑल गोइंग टू बी जजेस एंड वी आर ऑल स्टूडेंट ऑफ लॉ वी मस्ट सी थिंग्स डिसनेटली वी शुड नॉट हैव कलर्ड विजन्म के बारे में मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं जिनके कलर्ड विजन्स हैं वो कलर्ड विजन्स का एक बहुत बड़ा रीजन है जो इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था और उसमें बहुत सारा ब्लड शेड हुआ था उससे कहीं ना कहीं एक मन में आ गया है I have uh, hundreds of friends who are Muslims. In fact, one of my uh, roommates in my IPS was he is a Muslim. And we had the best possible friendship even today. And I know, I've seen his culture very closely. It's a very fine culture, adapka culture. So Pala point yeah, keep let's open the Windows and doors of our minds. Let us see things in their right perspective. What is good is good. What is wrong is wrong. All religions came much earlier, centuries and centuries earlier. All religions over a period of time, any religion in for that matter, does gather what we call dead wood. हर रिलीजन में होता है वो डेडवुड हटाना आज लॉ का काम होता है आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर अबाउट फर्स्ट वेन वी आर स्टार्टिंग मुस्लिम लॉ वी मस्ट हैव आर परस्पेक्टिव एब्सोल्यूटली क्लियर एंड बैलेंस्ड यू नो इस्लाम के जैसे कि मैंने बोला इस्लाम का मतलब होता है इट्स अरेबिक वर्ड स बेसिकली सबमिशन पीस और जो इसको फॉलो करता है मुस्लिम मुस्लिम का मतलब वही होता है जो वन हुट्स टू गॉड व्हाट आर द फाइव बेसिक एस्पेक्ट विच अ मुस्लिम मस्ट फॉलो पांच पिलर्स हैं इस्लाम के बिफोर आई गो टू शरीयत ये सारी चीजें होली कुरान से ही बोल रहा हूं मैं तो अगर कोई सच्चा मुसलमान है तो उसको पांच चीजें तो फॉलो करनी है अदरवाइज ही इज नॉट जिसको मैं कहूंगा एक सच्चा मुसलमान ये पांच पिलर्स कौन से हैं ये पांच रिलीजियस कमांडमेंट्स हैं वॉट आर दो कमांडमेंट्स पहला शाहदा एस एच एच ए डी ए एच शाहदा Shahada means declaration of faith. Shahada means declaration of faith that there is only one God and there is only one person who He has sent to represent Him and that is Muhammad. इसीलिए जो इसको हम कहते हैं क़लिमा। ये क़लिमा जो है ये हर मुसलमान के घर में आप एंटर करो तो वो लिखा होता है and वो that is basically रसूल ये बेसिक है कोई भी अगर इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता तो वो मुसलमान नहीं है दिस अ फर्स्ट बेसिक थिंग शाहकेंड ही मस्ट प्रे फाइव टाइम्स अ डे दिस इज अ रिचुअल सो देर इज अ रिचुअल प्रेयर फाइव टाइम्स अ डे वट वी कॉल सलास ए एल ए टी पहला हो गया शाहदा इन विच कलमा रख जरूरी है बिलीव करना जरूरी है दूसरा सलात एस ए के ए टी जकत मीन एवरी मुस्लिम मस्ट डोनेट टू पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ one's savings टू द पुअर एंड नीडी हर मुसलमान अपने जितनी भी उसकी सेविंग्स हैं उसमें से ढाई परसेंट गरीब आदमी को देगा फोर्थ इज डब्ल्यू एन चौथा पिलर है सोन सोन मींस फास्टिंग एंड सेल्फ कंट्रोल ड्यूरिंग रमजान ड्यूरिंग द होली पीरियड ऑफ रमजान यू नो रमजान एक रमजान या, या रमजान जैसे हम बोलते हैं रमजान भी कहते हैं कि लोग रमजान मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ऑफ द ईयर ऑफ द मुस्लिम तो इसलिए रमजान जो होता है उस था से और पूरा सेल्फ कंट्रोल होता है हर चीज का वो ये हर मुसलमान को करना जरूरी है एंड लास्ट थिंग इज हज एक बार जिंदगी में मरने से पहले एवरी मुस्लिम मस्ट गो ऑन पिलग्रमेज टू मक्का एंड मदीना प्रोवाइडेड ऑफकोर्स इज एबल टू डू इट तो ये पांच पिलर हैं हमारे हर मुसलमान अगर वो मुसलमान है तो ये पांच चीजें जरूर फॉलो करेगा शाहदा सलात जकत सोन एंड हज यू नो वेन आई से शरीयत वेन आई यूज द वर्ड शरीयत एज ए टोल्ड यू दिस इज एन अराबिक टर्म विच इज ऑफ Sharia basically is now a divine law. Originally, as I told, it referred to a path which led to a water source. Al Sharia, A L, second word Sharia, S H A R I A. Al Sharia, Al means the, the path, the Islamic way. Al Sharia. So every Muslim has to follow Al Sharia.

As I told you, Shariat is not law only. Shariat is a complete code of conduct. Shariat is a moral code, it's a religious code, it's a code which deals with crime, politics, economics, and even personal matters like prayer, diet, hygiene, even sexual intercourse. एंड एवरी डे एटिकेट्स हर चीज एवरी थिंग इज कवर्ड बाय शरीय दिस इज अ लॉ विच इज नॉट दिस इज अ कोड ये कोड बनाया नहीं जा रहा ये कोड हमेशा से था ये नहीं कह सकते कि द होली कुरान इज बिंग रिटर्न द होली कुरान ऑलरेडी ऑलवेज एग्जिस्टेड अल्लाह ऑलवेज एग्जिस्टेड एंड अल्लाह टीचिंग ऑलवेज एग्जिस्टेड इट इज नाउ दैट वी आर पोटिक्लैक एंड वाइट दोज बिलोंग टू द प्रिंसिपल विच आर ऑलवेज यूनिवर्सल एंड विच आर ऑलवेज पर्मेंट ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये बनाए नहीं जा रहे ये थे ये अल्लाह ने बनाए हुए थे हम आपको सिर्फ बता रहे हैं ये पहले थे आज लिख रहे हैं और आगे भी रहेंगे इसीलिए इनको इंसान चेंज नहीं कर सकता क्योंकि ये अल्लाह का वर्ड है और क्योंकि इंसान चेंज नहीं कर सकता this is the reason why it is so difficult to codify muslim law because we can't change muslim law because muslim law or shariat is basically ordained by god himself by allah himself that is the reason whenever there is any 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 endeavor by the parliament to to touch any of the aspects it is met with इड स्प्रेड रिवोल्ट क्रिटिसिजम एंड नेचुरली अग्रेशन ऑल्सो यू नो एज एड शरीय इज अ कंप्लीट कोड लेट इज सी स्मॉल थोड़ा फर्क देखते हैं चीजें देखते हैं जो शरीय में आती है वॉट ऑल आर इंक्लूडेड इन शरीय पहले एक बार ये देखते हैं देर आर मेनी टाइप्स ऑफ जूर स्प्रूडेंसिस विच आर कवर्ड इन शरीय लेट्स टेक अ फ्यू एग्जाम्पल्स फॉर एग्जाम्पल देर इज इन द एंटायर शरीय वी हैव वॉट वी कॉल क्रिमिनल ज्योरिस जब मैं क्रिमिनल जोरिस की बात करता हूं तो वी हैव इन दिस द एंटायर लॉ विच इज गिवन एयर यू नो इन इन क्रिमिनल लॉ अगर हम लॉ की बात करें जैसे कि मैंने पहले ही बताया हम देखेंगे सोर्सेज हम करने वाले हैं इस्लाम आ, मुस्लिम लॉ के तो उसके अंदर हम देखेंगे कि द होली कुरान कंटेन्स एवरी थिंग एज फार एज क्रिमिनल लॉ इज कंसर्न इन द होली कुरान शरीयत, द क्लासिक शरीयत जो है हमारा It identifies the most serious crimes. These crimes are sins against Allah, and hence, since they are you are committing a sin against Allah Himself, that is why we are giving you mandatory punishments. Those punishments, because Allah's sin, सम ऑफ दीज आई विल जस्ट टोट आई वी विल डिस्कस पहली कैटेगरी अडल्ट्री अल्लाह के खिलाफ सिन है डेथ बाय स्टोनिंग इसका अब नैचुर मैंडेटरी पनिशमेंट है हाईवे रॉबरी उसका एक ही वे आउंड आंसर है एग्जीक्यूशन क्रूसिफिकेशन, एग्जाइल या फिर राइट हैंड और लेफ्ट फुट काट देना ये पनिशमेंट लिखी हुई है theft, theft में राइट हैंड कार्ड देना है सेकेंड ऑफेंस में लेफ्ट फुट काट देना है और बाकी ऑफेंसेस के लिए इम्प्रेजनमेंट है अगर कोई स्लैंडर करता है किसी के लिए गलत बातें बोलता है डिफेमेशन करता है स्लैंडर इज डिफेमेशन वर्बल उसको 80 लैशेज 80 कोड़े पड़ेंगे ये अगर कोई दारू पीता है ड्रिंकिंग वाइन या इंटॉक्सिकेंट लेता है अस्सी कोड़े एटी लैशेस सो यू नो दीज आर लिटन इन दीज पनिशमेंट आर गिवन इन द इन द इन द इंड इन द होली कुरान इट्स एल शरीय बताता है वी हैव द कंसेप्ट ऑफ रिटेलिएशन फॉर एग्जाम्पल मर्डर में या बॉडीली इंजरीज में द विक्टिम और हिज हिज नेक्स्ट इन इन किन किन हैड द राइट ऑफ रिटेलिएशन यहीं से आता है आई फॉर एन आई टूथ फॉर अ टूथ सो दैट मीन्स नॉर्मली अगर कोई मर्डर हुआ तो जो मर्डर जो विक्टिम था उसका फादर या जो भी था वो मर्डरर का सिर काट सकता था बाय स्वर्ड रेड हॉट नीडल इन द आई ऑफिस अटैक दूसरी कैटेगरी तो पहली कैटेगरी थी तीन कैटेगरीज हैं क्राइम की डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द क्राइम पहली वाली जो मैंने आपको बताई अभी वो सिंध अगेंस्ट अल्लाह है उनमें तो फिक्सड पनिशमेंट थी दूसरी वाली रिटेलिएशन कर सकते थे आप वगैरह वगैरह तीसरी वाली में लेस सीरियस ऑफेंसेस थे फॉर एग्जांपल ब्राइबरी इन केसेस में जज को पूरा वो था ही हैड द डिस्क्रिशन ऑफ डिटर्मिन क्या पनिशमेंट देना है ये ये क्रिमिनल लॉ का पूरा पार्ट हमारा लिखा हुआ है दिस इज गिवन ऑर्डेन्ड एज अ पार्ट ऑफ Because these are sins against Allah, and then sins against, against sins against men, who could again retaliate, and then other smaller offences, which kazi, jo judge, who will determine? Karega. Similarly, criminal procedure with also given. We have criminal procedure. You know, we have seen that a notice had to be given. The right to remain silent was there. पब्लिक ट्रायल इम्पार्शियल जज देर नो जूरीज ऑफकोर्स एट दैट टाइम द बर्डन ऑफ प्रूविंग वॉज ऑन दूस दो मेल विटनेसेस चाहिए थे गुड कैरेक्टर के हमेशा एडल्ट्री केस में चार मेल विटनेस चाहिए थे सर्कमस्टांशल एविडेंस मोस्टली एडमिसिबल नहीं था फीमेल विटनेसेज वर नॉट अलाउड अनलेस कि उनको कोई बहुत स्पेशल नॉलेज हो और एक बात और है क्रॉस एग्जामिनेशन बड़ा इंटरेस्टिंग होता था कि अगर सपोज विटनेस आया विटनेस ने कुछ पूछा उसके पास कोई जवाब नहीं है तो वो कहता था ठीक है तो इस्लाम अलाउज कि उसको बोलो ओथ ले ले, अगर कोई ओथ अल्लाह की ले ले मामला खत्म हो जाता था देवस्ट ओके फाइन सही है बिकॉज नो बडी कैन डेयर टू टेक ओथ ऑफ अल्लाह एंड देन स्केप इज रैथ अगर वो झूठ बोल रहा है तो इसीलिए ये सारे प्रोसीजर हैं हमारे पास तो देर इज एन एलैबरेट सिस्टम ऑफ क्राइम एंड पनिशमेंट एंड इवन ऑफ प्रोसीजर विच इज गिवन इन द होली कुरान दिस इज वॉट आई वॉज सींग क्रिमिनल जोर स्टूडेंट्स एज फार एज मिलिट्री जोरिस्प्रूडेंस इज कंसर्न ये जो क्रिमिनल जोरिस्प्रूडेंस में हम तीन वर्ड यूज करते हैं जहां फिक्स पनिशमेंट है जो फर्स्ट कैटेगरी मैंने डिस्कस की है उसको हम कहते हैं हद एच यू डबल डी फिक्स पनिशमेंट्स जहां भी रिटालियशन का वो तरीका होता है उसको कहते हैं किस्सा क्यू आई एस ए एस और जहां ब्लड मनी देते हैं उसको कहते हैं दिया जैसे फॉर एग्जाम्पल आई पे माई मनी आई पे मनी एंड एंड एस्केप फ्राम द फ्राम रिटेलिएशन ब्लड मनी जिसको हम कहते हैं दिया डी आई डबल वाई ए और जहाँ डिस्क्रिप्शनरी पनिशमेंट्स होती थी जहाँ काजी कोई भी पनिशमेंट दे सकता था दैट वॉज ताज़ीर टी ए जेड आई आर ये हमारा क्रिमिनल जोरिसप्रूडेंस है जो हमारे शरीय में लिखा गया है उसके बाद वी हैव अनदर फॉर्म मिलिट्री जोरिसप्रूडेंस मिलिट्री जूर में क्या होता है जिहाद जिहाद कुड बी बोथ ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव जिहाद इज बेसिकली वी हैव यू नो द राइट टू प्रोटेक्ट आर रिलिजन सो चाहे हमारे पे कोई रिलिजन को अटैक कर रहा है या हम ऑफेंसिव ले रहे हैं दोनों में द एंटायर लॉ ऑफ जिहाद इज गिवन जिहाद इज बेसिकली

बर्टी का रोल एडल्ट जब होगा तभी उसकी शादी करेंगे अ मैन कुड रिफ्यूज टू ए कंपनी हर हस्बैंड द वाइफ हैड अ राइट टू फूड क्लोथिंग हाउसिंग एंड अ मैरिज गिफ्ट इनहेरिटेंस के पूरे लॉज द एंटायर लॉ जो हम पढ़ेंगे वॉट वी विल कॉल द एंटायर फैमिलीज स्टूडेंट उसके अंदर इनहेरिटेंस का पूरा सक्सेशन कर लो उसमें शेयरर्स रेजिडरीज एंड अदर्स विल का तरीका क्या होगा वसीयत गिफ्ट कैसे देने हैं हिबा प्रीएम्शन शूफा कैसे किया जाएगा निकाह कैसा होगा कितने तरह के होंगे तलाक कैसे होगा हस्बैंड वाइफ का आपस का रिलेशनशिप कैसा होगा हस्बैंड की ड्यूटीज क्या है वाइफ की ड्यूटीज क्या है

सो थियोलॉजिकल ऑब्लिगेश फॉर एग्जाम्पल हज पे जाना है या रिचुअल्स रिचुअल्स फॉर एग्जाम्पल काबा जहाँ पे वो हम देखते हैं ना जहां जहाँ बर्थ प्लेस जहाँ वो स्ट्रक्चर है उसके सात बार चक्कर मारना है या फिर सारे जो हज के रिचुअल्स हैं स्टोनिंग द डेविल का है या फाइव टाइम्स प्रेयर करनी है आपने फाइव टाइम्स प्रेयर कैसे करनी है आपने वो सारा बताया हुआ है फ्यूनल प्रेयर्स प्रेयर्स कैसे होंगे जिसको हम आ, सलाते ज, आ, जनाजा कहते हैं वो सारी चीज़ें तो बेसिकली रिलीजन से सारी चीज़ें जो कनेक्टेड हैं ऑल ऑफ देम आर गिवन इन ग्रेट डिटेल्स फॉर एग्ज़ाम्पल ईद कैसे मनानी है जोहा यानी जिसको हम बकरीद कहते हैं वो कैसे करना है या फितर जो रमज़ान के बाद आती है जिसको मीठी ईद कहते हैं सेवइयां बनती हैं वो कैसे करना है रमजान में क्या करना है रमजान में आपको कैसे कैसे अबस्टेन करना है यू हैव टू कीप योर माइंड प्योर नॉट ओनली योर माइंड प्योर यू हैव टू कीप सेक्सुअल अबस्टिनेंस आल्सो आपका बिल्कुल मतलब आपको यू हैव टू बिकम वन विद अल्लाह कब आप कब नहीं खाओगे कितने बजे खाओगे क्या करोगे सारी चीजें लिखी हुई हैं ऑल दिस कम्स अंडर थियोलॉजिकल ऑब्लीगेशन यू नो बेसिकली ईद उल जुहा की अगर बात करें उसकी मैं थोड़ी सी कंफ्यूजन्स दूर करना चाहूंगा इसका बैकग्राउंड बताता हूं क्या है देर वॉज अ पर्सन कॉल्ड अब्राहम उसका लड़का था इसमाइल एक दिन अल्लाह उसके सपने में आए और बोले कि कल सुबह जो ईद है आई वॉन्ट यू टू सेक्रीफाइस योर सन इस्माही तो वो आए सुबह हुआ एंड अब्राहम वॉज जस्ट गोइंग टू स्लॉटर हिज सन वो जैसे ही गर्दन काटने वाला था अल्लाह ने आके उसका हाथ रोक लिया और बोला नहीं मैं बहुत खुश हूं तुम्हारे से तुमने इतना मेरे तुम इतना मेरे को मानते हो फाइन आई वॉज जस्ट टेस्टिंग यू यू नीड नॉट स्लॉटर योर सन्स यू नीड नॉट सेक्रीफाइस योर सन्स यू कैन इंस्टेड एक बकरे की बलि दे दो सैक्रीफाइस अ लैम्ब वहां से शुरुआत होती है तो बेसिकली जो बकरीद होती है उसमें यू नो दे दे उनको पहले पालते हैं उसको सैक्रिफाइस करते हैं इन द नेम ऑफ अल्लाह और वो फिर सबको बांट देते हैं वो मीट बिकॉज यू नो उस टाइम मीट ही खाते थे सारे तो ये सब बांट देते हैं और सब लोगों को एक तरह से इसको बांट दिया जाता है सो so, इसका ये बैकग्राउंड है ईद उल जोहा का जेड यू एच ए जोहा दूसरी जो ईद होती है ईद उल फित्र

पूरा महीना हमने फास्ट यू you नो know, इतना स्ट्रिक्ट फास्ट होता है आई हैव सीन माय फ्रेंड्स कि हमारी जब ट्रेनिंग चल रही होती थी हैदराबाद में नेशनल पुलिस एकेडमी में तो मेरा जो फ्रेंड था वो मुस्लिम ही वो आ, पानी भी नहीं पीता था ट्रेनिंग तो ही से कि मैं ट्रेनिंग नहीं करूँगा जी मैं तो फास्ट पे हूँ बट स्टॉन्च मुस्लिम तो वो आई रिमेंबर जो अपनी स्पिट होती है थूक वो भी अंदर नहीं लेके जाते कि नहीं उससे वो भी मना है इतने स्टॉन्च होता है तो दे आर यू नो दे गो टू द एक्सट्रीम टू सेक्रीफाइस तो उस टाइम ये नहीं कि आप सिर्फ खाना नहीं खा रहे हो या पानी भी नहीं पी रहे हो और इवन थूक भी अंदर नहीं ले जा सकते आपको माइंड भी प्योर रखना है इसीलिए आप देखो पूरे वर्ल्ड में रमजान के महीने में टेररिज्म वगैरह बिल्कुल बंद हो जाता है एज फार एज पॉसिबल बिल्कुल एक क्वाइट हो जाते हैं जितनी लड़ाइयाँ होती हैं जो फैक्शंस में भी लड़ाइया होती हैं वो बंद हो जाती हैं बिकॉज दैट टाइम दे आर सपोज टू कीप देयर माइंड इन यूनाइजन विद अल्लाह ओके दि समथिंग यू नो आई एम गिविंग ऑल दीज एस्पेक्ट ताकि बैकग्राउंड बिल्कुल आपका सॉलिड हो जाए कि हम क्या चीज पढ़ने जा रहे हैं जब हम इकोनॉमिक जुरस्पूडेंस में आते हैं यू नो इकोनॉमिक जुरिस्पूडेंस का एक बहुत अच्छा पार्ट है इनका जक़ात जैसा कि मैंने बोला ढाई परसेंट उनकी सेविंग्स की उनको देनी ही है अगर वो सच्चा सच्चा मुसलमान है तो ढाई परसेंट देगा रिलीजियस वो एंडाउमेंट्स देगा वक्फ हम पढ़ेंगे बाद में इसका पूरा लॉ पढ़ेंगे वक्फ जो है वो अपनी प्रॉपर्टी परपेचुअली दान दे देता है कि अब ये सारी उम्र मेरे मरने के बाद फॉर परपेचुटी ये लोग यूज करें ताकि उनका भला हो सके सिमिलरली सदाक होता है जो आप जो गिफ्ट दे देते हो अल्लाह के नाम पे सिमिलरली इस्लाम में रिबा आर आई बी ए रिबा रिबा मीन्स के इंटरेस्ट नहीं खाना आपने इंटरेस्ट इज फॉरबिडन देर इज फॉरबिडन प्रोहिबिशन ऑफ टेकिंग इंटरेस्ट मनी तो ये सारे जो इकोनॉमिक जुरुसपूं है उसमें बहुत कुछ आ जाता है उसमें ये हमारा यू नो वसीयत वगैरह सब वो सब इसमें आ जाता है ये सारी चीजें कहां लिखी हैं शरीयत में अगर हम थोड़े पर्सनल चीजों पे आए तो ड्रेस कोड ड्रेस कोड मेन का ड्रेस कोड भी है और वुमेन का ड्रेस कोड भी है एज फार एज वुमेन इज कंसर्न वुमेन के लिए हिजब वेल जिसको हम वेल कहते हैं जो हम क्या कहते हैं वेल होता है जो आप समझते हो वेल सो वी आई एल वेल हिजब एच आई जे ए बी यू नो शरीयत में कहीं नहीं लिखा हुआ कि वुमेन बुरका पहनेगी की बुरका का मेंशन नहीं है कहीं उसमें यह लिखा है कि जो हिजब है दैट शुड कवर द हेड एंड चेस्ट ऑफ अ वुमन जो बड़ी हो चुकी हैं लड़कियां है, जो प्यूबर्टी ले चुकी हैं स्पेशली इन द प्रेजेंस ऑफ मेल्स they must cover their head and naturally their the their chest. The Holy Quran says that the women should dress modestly and cover their chest and genitals. ये बाद में जो लीगल सिस्टम्स हमारे बनते गए, उन्होंने डिवाइस किया बुरका कुरान शरीफ में कहीं नहीं लिखा है बुरका ये तो बाद के जो लीगल सिस्टम हमारे डेवलपमेंट होती गई तब हम बुरका वो वेल को बुरका ही बना दिया बेसिकली इट इज सेट दैट द वुमन शुड बी ड्रेस्ड वेल इन द सेंस दैट हेड एंड चेस्ट मस्ट बी प्रॉपरली कवर्ड एज फार एज डायटरी लॉज आर कंसर्न डाइट की भी जो है यू you नो know, दे हैव अ सिस्टम ऑफ स्वाटर कॉल्ड धाबिया डी एच ए बी आई एच ए एच धाबिया धाबिया बेसिकली मीन्स झटका नहीं करना है अपने, हलाल करना है इन अदर वर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड शुड बी इंटैक्ट ओनली द एंड द आर्टरी शुड बी कट ऑफ तो उसका स्पाइनल कॉर्ड नहीं कटनी चाहिए वो एक खासियत है फ्लैश ऑफ अ स्वाइन सुअर का मीट नहीं खाना है द रीजन बींग हमारे भी यहाँ जैसे हिंदूज में गाय का मीट नहीं खाना है द रीजन बींग गाय को हम एक माँ का दर्जा देते हैं बच्चा जब पैदा होता है तो उसको गाय का दूध देते हैं तो एक तरह से माँ का रोल प्ले करती है गाय इसलिए हम एक, एक हिंदू सेंटिमेंट है और इनफैक्ट अगर हम आर्यन कल्चर देखें तो गाय ही हमारी वेल्थ होती थी और एक आदमी का वेल्थ देखा जाता था उसके पास कितनी गायें हैं स्वाइन इसलिए मना है और वो भी शरीयत में ही मना है द रीजन बीइंग दैट सुअर जो होते हैं वो बहुत गंदी जगह रहते हैं इफ यू नोटिस सुअर हमेशा गंद में होते हैं यू you नो know, हमेशा कीचड़ में होंगे तो दैट इज वाई एंड यू नो बायोलॉजिकली स्पीकिंग मेडिकली स्पीकिंग एज ए डॉक्टर आई कैन टेल यू, द मोस्ट ऑफ द बीमारी जो होती हैं वो सुअर से आती है you know, जितने भी हमारे वर्म्स हैं टेप वर्म्स लिवर फ्लूक्स या और भी जितने बड़े डेंजरस बीमारियां हैं वो सारी हमारे को पिग से आती हैं सुअर से आती हैं सो दैट इज वाई स्वाइन और जिसको हम सुअर कहते हैं वो कंप्लीटली फॉबिटन है बाय शरीय या फिर जो किसी और ने मारा है एनिमल वो आप नहीं खाओगे सो so, यहाँ जिसको जिसे और को मारा है मतलब किसी और भगवान का नाम लेके फॉर एग्जाम्पल किसी और भगवान के नाम पे मारा है तो वो आप एनिमल नहीं लोगे या एक एनिमल जिसका गला घोंट के मारा गया हो वो भी नहीं खाएंगे या जो गिर के मरा हो गिरा हो मरा हो या मरा हुआ मिला हो वो खाना निषेध है देट यू आर नॉट अलाउड टू ईट एंड ऑल्सो जो आप ऑल्टर पे स्लॉटर करते हो जो एक एक रिलीजस प्लेस में स्लॉटर करते हो वो भी खाना अलाउड नहीं है सो ऑल दीज आर डायटरी हैबिट्स और अदर फूड जो हम हम बात करते हैं एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी है शरीयत में विच इज हाइजीन यू नो हाइजीन एंड प्योरिफिकेशन के जो जो रेस्पोडें हमारे पास वो शायद एक ये पहला ऐसा एक रिलीजन है पहला ऐसा एक शरीयत कोड है जिसके अंदर हाइजीन के ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो दी गई है बहुत ज्यादा वेटेज है यू नो इनफैक्ट प्रॉफिट वन सेड द्लैनलीनेस इज हाफ द फेथ जो जो क्लीन नहीं है वो मुसलमान नहीं है प्रॉफिट वॉज वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट क्लैनलीनेस क्लेंलीनेस पे तो बहुत सारे आयात भी हैं यू नो फॉर एग्जाम्पल होली कुरान कोई हाथ नहीं लगाएगा जब तक वो बिल्कुल क्लीन नहीं है इसलिए इफ यू सी समबडी अगर आप किसी मुस्लिम को देखो नमाज अदा करने जा रहा है तो वो पूरा अच्छी तरह पहले हाथ धोएगा यहाँ तक धोएगा कान धोएगा मुंह धोएगा सब बिकॉज दिस इज अ मस्ट सो क्लैनलीनेस इज अ मस्ट इनफैक्ट

इसीलिए मुझे अलाउड नहीं है पर बियर्ड अलाउड है क्योंकि मुझे नेचुरल है कि खाना खाते वक्त हो, हो जाता है दैट इज वाई वेन द चाइल्ड इज बॉर्न ही इज क्लीनिंग ऑफ द नॉस्ट्रिल्स ऑफ द माउथ एबस्टेन्स ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स इन सर्टन कंडीशन ये सारी चीजें जो हैं ये हाइजीन में आती हैं और बहुत बहुत पर्टिकुलर है शरीयत इसके बारे में अगर हम जनरल कस्टम्स की बात करें बहुत सारी चीजें शरीयत ले डाउन करता है फॉर एग्जाम्पल कुछ भी खाना या पीने से पहले बिस्मिल्ला कहना बिस्मिल्ला का मतलब इन द नेम ऑफ गॉड ऑलवेज यूजिंग द राइट हैंड फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग फॉर ऑब्वियस रीजनस किसी को मिलना है तो उसको बोलना है अस्सलाम वाल अस्सलाम अलैकुम मींस पीस बी ऑन यू और वो जो जवाब देगा वो कहेगा यानी कि पीस बी ऑन यू आल्सो दिस इज हाउ यू विल एड्रेस ईच अदर देन जैसे नया बच्चा पैदा होता है उसके कान में अजान बोलनी है बरियल रिचुअल्स प्रेयर्स क्या है कॉफिन कैसा होगा उसका कपड़ा क्या होगा ग्रेव कैसी होगी जो आपका ग्रेव है वो कैसी होंगी इसके अलावा गुड मैनर्स द प्रॉफिट वॉज वेरी वेरी एडमेंट ऑन दीज थिंग्स अ मुस्लिम मस्ट ऑलवेज बी तहजीब होनी चाहिए गुड मैनर्ड होना चाहिए डिसेंट होना चाहिए ही शुड नॉट बी वर्गर शुड ऑलवेज हैव डेकुर हम जिसको शरीय में बोला गया अदब उसमें अदब होना चाहिए ही शुड रिफ्रेंड फ्रॉम यूजिंग बैड लैंग्वेज अब मैं आयात को ही कोट कर रहा हूं वन ऑफ द आयात ऑफ द होली कुरान द बेस्ट अमंग यू आर दोज हुनर्स एंड कैरेक्टर ये बेसिक्स है

फिक का जहां तक सवाल है फिक इज इस्लामिक जुरिस्पूडेंस फिक का लिटरल मीनिंग है इंटेलिजेंस इन इस्लाम फिक इज द नेम गिवन टू द होल साइंस ऑफ जुरिस्पूडेंस एक आदमी जब अपनी इंटेलिजेंस यूज करके बिकॉज द कुरान इज नॉट यू नो कंप्लीट एलुसिडेटिंग लॉ नहीं करता बहुत सारी चीजें अपना दिमाग लगानी पड़ती हैं तो जब आप कोई चीज दिमाग लगा के आप इंटरप्रेट करते हो उसको हम कहते हैं फिक तो इंटरप्रेट करने में सक्षम कौन है जो इंटेलिजेंट है जिसको लॉ जिसको कुरान के बारे में पता है जिसको इथॉस पता है दैट इज कॉल्ड फिक फिक इज द ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ शरीयत। प्लीज क्विकली राइट डाउन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने देखा है कि दो तीन बार आया हुआ है। फिक एफ आई क्यू एच क्विकली राइट डाउन प्लीज This question comes. Write short notes on fiqh. The word fiqh literally means intelligence. In Islam, fiqh is the name given to the whole science of juris, jurisprudence. The person who is skilled in law, a jurist, can independently interpret what is correct and what is wrong the holy quran is not a complete uh, com uh, 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 a compendium it is not a complete compendium of Every aspect of life. The 6300 odd verses of the Holy Quran cannot cover each and every aspect of human life. Hence, it is left to the intelligence of a jurist to see the meaning underlying. The thoughts given in the Holy Quran and interpret their actions as per the Holy Quran. Sharia is the divine law as revealed in the Holy Quran. Fiqh is the human understanding and interpretation of Sharia. Fiqh is developed through interpretation by Islamic jurists. A jurist is called a Faqih, jurist is called a Faqih, F A Q I H, who is an expert in matters of Islamic legal matters. As per fiqh, things may be white, which is the color of moral beauty, or things may be black, the color of moral ugliness. And some things may be grey, which means neither morally beautiful nor morally ugly. The entire mass of human actions have to be classified in these three categories. On these Categories Any action of a human being in Islam falls in five categories of fiqh. Before I discuss these five categories, let me quickly again revise fiqh. What is hai You know, jo, Amara. होली कुरान है या सुनना है प्रॉफिट का वो पर्याप्त नहीं है एक एक चीज थोड़ा ना बताई गई है फॉर एग्जाम्पल कोई ग्लटन है बहुत ज्यादा खाता है अभी कहीं पाप भी नहीं है पर अच्छी बात भी नहीं है बीच की चीज है कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल मना है कुछ चीजें हैं जो बहुत अच्छी हैं जो करनी है कुछ चीजें जो करो तो ठीक है नहीं करो तो अच्छा है तो ह्यूमन एक्शंस जो हैं वो हमें इंटरप्रेट करने पड़ेंगे एज पर द ह्यूमन इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट इज नीडेड व्हाट इज वांटेड शरीयत क्या है व्हाट डज द होली कुरान वांट तो ऑल एक्ट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स क्योंकि इतने मास एक्शन हजारों लाखों एक्शन होते हैं तो उनको हम क्या बोलें उनको हम कौन कौन से कैटेगरी में लेके जाए तो वी हैव ब्लैक एंड व्हाइट व्हाइट मीन्स जरूर करने करने से आपको अल्लाह की ब्लेसिंग मिलती है और ब्लैक करोगे तो डंडा पड़ेगा जो ब्लैक है वो तो बिल्कुल नहीं करना वो करना पाप है जो जो वाइट है, वो करो और करोगे तो आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी जो ब्लैक है उसको हम कहते हैं हराम लेट सी द लिस्ट व्हाइट से शुरू करते हैं। जो करनी चाहिए जो हर मुसलमान को करनी चाहिए और अगर करते हो तो बहुत अच्छा है दैट इज कॉल्ड वाजिब वाजिब हम कहते हैं ना वाजिब चीज है वाजिब बात है तो वाजिब डब्ल्यू ए जे आई बी ऑल्सो कॉल्ड फर्द एफ ए आर डी एच वाजिब इज इनफ सो वाजिब इज स्ट्रिक्टली एनजॉइंट जरूर करना है सो वॉट विल बी वाजिब जो हम कहते हैं जरूर करो स्ट्रिक्टली एनजॉइंट दीज एक्ट आर मैंडेटरी ये करने ही करने हैं अगर आप नहीं ये करते तो फिर आप गलत कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल से डे मैंडेटरी है वाजिब है नहीं करोगे तो गलत माना जाएगा दूसरा मंदूप एम एन डी यू बी मंदूप मीन्स सिंपली एडवाइज ऐसा करना चाहिए एक तो है पहला क्या था करना पड़ेगा नहीं करोगे तो गलत कर रहे हो दूसरा कर लो सो सिंपली एडवाइज मंडूब एम ए एन डी यू बी दीज एक्ट आर रिकमेंडेड ये करनी चाहिए दीज आर गुड डीड्स इफ डन बट इफ दे आर नॉट डन इट इज नॉट अ बैड डीड फॉर एग्जाम्पल एक्स्ट्रा प्रेयर आपने और पांच ज्यादा और प्रेयर कर ली तो जहां पे एडवाइज है तो जहां पे वाजिब है आपने नहीं किया तो गलत है आप सिन कर रहे हो अल्लाह के खिलाफ मंडूब में हम एडवाइज करते नहीं करते तो चलो हम बुरा नहीं मनाएंगे पर करना चाहिए एक्स्ट्रा प्रेयर कर ली फॉर एग्जांपल। तीसरा है अब ये जो ग्रे शुरू हो गया सी पहले वाइट था वाजिब ये तो हर एक को करना ही है नहीं करोगे तो गलत कर रहे हो दूसरा सिंपली एडवाइज मंडूब करो तो अच्छा है नहीं करोगे तो चलो बुरा नहीं है पर कर लो तीसरा परमिटेड चलो कर लो पर अच्छी बात नहीं पर चलो कर लो तो मंडू में क्या होता है सॉरी ती, तीसरे में परमिटेड में मुबा यू बी एच एम यू बी एच परमिटेड ये हम इंसान पे छोड़ते हैं कि तुम्हारा अगर जमीर मानता है तो कर लो नहीं तो मत करो

उसके बाद डार्क ग्रे की तरफ हम बढ़ रहे हैं ब्लैक की तरफ बढ़ रहे हैं द फोर्थ वन इज मकरू एम ए के आर यू एच नॉट एडवाइज ऐसा मत करो दीज एक्ट आर डिटेस्टेड अच्छा नहीं मानते नॉट डूइंग इट इज अ गुड डीड बट डूइंग इट हम बुरा नहीं कहेंगे नॉट अ बैड डीड बट ना करो हम कहें फॉर एग्जाम्पल ग्रोइंग लॉन्ग नेल्स इवन विमेन दे आर नॉट अलाउड टू ग्रो लॉन्ग नेल्स तो आप वो कर लिए वैसे मत करो पर कर रहे हो तो चलो हम इसको पाप नहीं मानेंगे पर ना ही करो सो विच मीन्स नॉट एडवाइज अनएडवाइज और पांचवा जो फिक में आता है वो है टोटली प्रोहिबिटेड ब्लैक हराम ये हम कहते हैं ना हराम का खाता है प्रोहिबिटेड है सो हराम इज टोटली प्रोहिबिटेड दैट मींस

उसके अंदर से जो इथॉस है हमारे अब क्योंकि नेचुरली ह्यूमन एक्शन हर एक्ट तो नहीं लिखा जा सकता ना कि मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ कि कॉफ़ी पीना अलाउड है कि नहीं पर अब नेचुरली ज़्यादा कॉफ़ी पी रहा हूँ अब वो नॉट एडवाइज है सो ये मुझे खुद डिसाइड करना है तो हमारे अब हजारों काउंटलेस ह्यूमन एक्शंस होते हैं हर चीज़ तो लिखी नहीं जा सकती तो इसीलिए हम जुरिस पे छोड़ते हैं कि वो अब फ़िक इसको डिसाइड करे उसका इंटेलिजेंस निकाले उसके इंटरप्रिटेशन निकाले कि मेरा एक्ट कौन से में आएगा अगर वो हराम में आता है तो बिल्कुल नहीं करना है करोगे तो सिन है नहीं करोगे तो बहुत अच्छा है और अगर वो वाजिब में आता है तो वो जरूर करना है और नहीं करोगे तो फिर बुरा है। और बीच में ये तीन आ जाते हैं तो पांच हम कलर्स में ले आए हैं सो राइट फ्रॉम व्हाइट टू ब्लैक तो वाइट लाइट ग्रे ग्रे डार्क ग्रे एंड ब्लैक हमारे सारे एक्शन इनमें आते हैं और इसके मुताबिक डिसाइड होगा कि मुझे जन्नत में जाना है के मुझे जहन्नुम में जाना है अकॉर्डिंग टू दैट सी प्लीज रिमेंबर क्रिश्चियनिटी में और इसमें क्या होता है दोनों में एक चीज कॉमन है वाई डू दे नॉट बर्न द डेड हम उनको ग्रेव्स में रखते हैं क्योंकि ऑन द डे ऑफ रिसरेक्शन इन क्रिश्चियनिटी और जो हम इस्लाम में कहते हैं कयामत का दिन उसमें सारी ग्रेव्स में से बाहर आएंगे और फिर उनका लेखा जोखा होगा कि तुमने ये एक्ट किया था ओके तुम्हारा ज्यादा है तुम्हारे सिंह एक्ट बुरा कम है चलो हेल में जाओ तुम्हारे गुड एक्ट्स ज्यादा हैं तुम्हारे sin कम है चलो भैया तुम्हारी टिकट है हेवन की जन्नत की सिमिलर इन क्रिश्चियनिटी सो प्लीज रिमेंबर ये सारे जो हमारे एक्ट्स हैं इसीलिए शरीयत कहता है कि अपना हर एक्ट करने से पहले याद रखना कि हर एक्ट तुम्हारा आपकी किताब में लिखा जा रहा है ऑन द डे ऑफ कयामत कंप्लीट डे ऑफ रेकनिंग पूरा पूरा लेखा जोखा होगा एंड देन इट देर वी विल डिसाइड वेदर यू आर गोइंग टू हेवन और हेल इसलिए एक एक एक्ट जो होता है वो सोच समझ के करना है अब वो करना है कि नहीं करना दिस द फिक decided for us so i hope now everybody is clear about the ethos of muslim law what is shariat what is fiqh and what is the actual ethos of islam i hope everybody mind is absolutely clear in my next lecture we will now go to the sources of muslim law thank you god bless